तो आज स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल इस वक्त मौजूद हैं, उनके आतिथ्य में जो है तमाम गणमान्य लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर चल रहा है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको नजर आएंगे। और ये एक परंपरा जो सालों से चली आ रही है, जब झंडारोहण के बाद जब मुख्यमंत्री सुबह झंडारोहण करते हैं, उसके बाद जो शाम का कार्यक्रम होता है वो माननीय राज्यपाल की तरफ से आयोजित होता है। एट होम कार्यक्रम इसे कहते हैं। और इसमें जो है तमाम जो नेता, जनप्रतिनिधि, मंत्री, सत्ता, विपक्ष, तमाम जो गणमान्य लोग हैं उन्हें यहां पर बुलाया जाता है। राज्यपाल अभिवादन स्वीकार करते हैं और यहां पर जो है उनकी तरफ से जो है समारोह आयोजित होता है। आप देख रहे हैं राज्यपाल आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, कलराज मिश्र, और उनकी तरफ से राजभवन में ये कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी आयोजित हो रहा है। और मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम जो वरिष्ठ नेता मंत्री हैं वो हैं, विपक्ष के भी नेताओं को आमंत्रित किया जाता है। और एक अच्छे माहौल में यहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस का एक कह सकते हैं ये जश्न जो राज्यपाल की तरफ से जो है आयोजित किया जाता है, उसकी ये तस्वीर जहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं और वहाँ पर तमाम जो लोग एक के बाद एक पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी वहाँ पर विराजमान हैं और एक के बाद एक गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। भरत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, परंपरा बहुत पुरानी एट होम को लेकर, लेकिन हर बार ये तस्वीरें जो हम देखते हैं मनोरम तस्वीरें होती हैं, क्योंकि आयोजन राज्यपाल का होता है। कौन कौन लोग पहुँचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, 15 अगस्त से राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से राजभवन में एट होम कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती, सभी दलों के गणमान्य मंत्री, विधायक, पक्ष के लोग पहुंचते हैं कार्यक्रम में। और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद है, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद है, मंत्री मौजूद है, और बीजेपी के भी तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। और एक एक करके राज्यपाल कलराज मिश्र से तीन साहब से वो मुलाकात कर रहे हैं। आजादी की जो वर्षगांठ है उसको लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि ये परंपरागत आयोजन होता है जिसमें इस तरह सभी पार्टियों के लोग, नेता, मंत्री वो यहाँ पर जुटते हैं और कार्यक्रम में शरीक होते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से वो मिलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक आयोजन है और जब देश पूरा देश मनता है, इस पर का कार्यक्रम है, सभी लोग मौजूद हैं और लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीएम साहब और राज्यपाल कलराज मिश्र से वो मुलाकात कर रहे हैं। तमाम मंत्री यहाँ पे वो मौजूद है, विपक्ष के लोग मौजूद है, ब्यूरोक्रेट्स मौजूद है, सीएस उषा शर्मा, बीजेपी तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। राज्यपाल कलराज से वो मुलाकात करे, अभी विधायक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे थे, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की थी। तस्वीरें यहाँ पे आती है, सब पार्टी पॉलिटिक्स से दूर यहाँ पे इस तरह का आयोजन होता है। बिल्कुल भरत, और जैसा बता रहे हैं तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला